जी नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर हैं और ईद का प्रोग्राम। लेकिन ज़ाहिर है इसके साथ साथ जो है ईद के दिन में गम का जो है वो अंसर भी शामिल हो चुका है। बहुत अफसोसनाक वाक़या, बहुत अफसोसनाक हादसा वाक़या हुआ है मक्का मुकरमा में। हज के दौरान जो भगदड़ मच जाने से तकरीबन 220 हाजी हलाक हो गए हैं और 400 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। हमारी जो हमदर्दी है उनकी फैमिलीज़ के साथ है और जो ज़ख्मी हुए हैं अल्लाह ताला उनको शिफा याब करे, मुकम्मल तौर पर उनको सेहत याब करके उनके घरों में जाना नसीब करे। करीब तादाद हो गई है टोटल इस वक्त तक जो शहीद होने वाले शहीद हुए हाजी 310 से तक जाए। ये 14 मिनट पहले की अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचाई जा रही हैं। इसमें 400 से ज़्यादा हाजी जो हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं और यहाँ ये इतला ज़रूर दे दी जाए आपको कि 4000 से ज़्यादा अमला जो है जो तिबी सहूलतें पहुंचाता है वो वहाँ पे इस वक्त काम कर रहा है ताकि जो है वो जो ज़ख्मी हैं उनको तिबी इमदाद पहुँचाई जा सके। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और अफसोसनाक ख़बर, आज बड़ा अजीब व गरीब दिन है जबकि हम यहाँ जमा हुए थे कि ईद के शो के हिसाब से हमने अपने मटेरियल को तैयार किया हुआ था लेकिन सच माने दिल भी नहीं चाह रहा, जहन इस तरफ जा ही नहीं रहा कि खुशी की तरफ जाएँ और जो है वो दिल की कैफियत जो है वो किस तरीके से आप तक पहुंचा सकें। अब दूसरी ख़बर जो बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आई है वो यमन से है। यमन के दारुल हुकूमत सना में एक ख़ुदकश धमाके में जो कि मस्जिद में हुआ और उसमें 25 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए। ईद की नमाज थी और ईदुल अज़हा की नमाज अल बलैली मस्जिद में ये धमाका हुआ है दारुल हुकूमत सना में जिसमें 2 खुदकश बम धमाके हुए और 25 अफराद जो हैं इसमें शहादत के रुतबे पर पहुँचे हैं। ये एक दूसरी अफसोसनाक ख़बर है जो हुई है आप तक पहुँचाई जा रही है और इसके अंदर भी जो तादाद है ज़ख्मियों की वो 65 से ऊपर की बताई जा रही है कि इतने अफराद ज़ख्मी हुए हैं। यमन के बारे में जो है वो पूरी दुनिया के इल्म में है कि वहाँ पर इस वक्त जंगी कैफियत है, जंग के हालात से गुज़र रहा है। सऊदी अरब और उसके अलाइस ने उस पर हमला किया हुआ है और ये हमला भी जो है वो इस्लाम के नाम पर किया जा रहा है और जिसमें अफसोसनाक बात यह है कि मुसलमान को ही तह तेख किए जा रहा है और वो उसको ख़त्म किए जा रहा है। वो ये चाहते हैं कि मंसूर हादी जो है वो उनकी हुकूमत दोबारा बरकरार हो जाए जबकि जो कबाइल हैं यमन के ख़ास तौर पे जो हूसी कबाइल हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते और वो उस इनकलाब के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, अजीब व गरीब सूरत हाल है, सहर दिन ईद का है, बातें जो हैं वो बस ये इसे कह सकते हैं कि अल्लाह ताला के ये जो अंदाज़ हैं अल्लाह ताला की इसमें भी कोई हिकमत होगी। यही हम मुसलमानों का इतकाद है, यही मुसलमानों का भरोसा है। आज ईद का दिन है और वो लोग जो ईद मना रहे हैं वो भी अफसरदा हैं लेकिन साथ साथ ज़ाहिर है ईद की जो खाने हैं वो भी खाना पीना तो ज़ाहिर है बंद नहीं होता, खाना पीना भी जारी है और साथ मैंने रास्ते में आते हुए देखा कि जो रास्ते में मेरे जो स्टूडियो आते हुए बहुत सारी मस्जिदें आती हैं तो मैंने देखा कि मस्जिदों की तरफ जो लोग हैं वो बहुत तेज़ी से जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े मजमे जो हैं वो मस्जिदों में देखने में आए और ये बात जो है वो फिर एक दफ़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने पर जो है वो मजबूर कर देती है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने मुसलमानों के दिलों में और मुसलमानों के इस तरह के इज्तमा, एक बड़ा इज्तमा तो ज़ाहिर है हज का होता है और फिर ये इज्तमा जो छोटे छोटे मस्जिदों में ईद के दिन होते हैं ये भी बहुत एक खूबसूरत अंदाज रखते हैं और मुसलमानों को इकट्ठा होने का मौका देते हैं। एक कॉल शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं ब्रह्मपुर से बात कर रहा हूँ। हज में हो रहे हैं ना तकरीबन 200 आदमी मौत हो गए जी। जनाब, ये 200 से ज़्यादा हो गई है तादाद, अफसोसनाक तादाद जो है वो 310 से तजावज़ कर गई है और मज़ीद जब इतलात आएंगी तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। आप कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ब्रैडफोर्ड से बात कर रहा हूँ। ब्रैडफोर्ड से बात कर रहे हैं जनाब, फरमाइए जी कुछ कहना चाहेंगे आप?
जी बिल्कुल कहना चाहेंगे, इज देयर एनी अपडेट्स विद द काफला दैट्स गोइंग टू हज टीवी टू द to the Hajj? Is everyone okay there? We need to have some updates, because we have families here in Bradford that's gone to the Hajj, so we need to know what's happening. We are also trying our best to get into contact with the Salar of Kafla, Dr. Ghulam Hussain, and we are trying that Dr. Ghulam Hussain Adil, and we are trying our utmost that at the moment we will get any connection or any contact with Allama Dr. Ghulam Hussain Adil, we will definitely get into the knowledge of the viewers and the families of the people who went with Dr. Ghulam Hussain Adil to perform Hajj. And that's what we are trying our best to make a contact or on telephone or on Skype with Dr. Ghulam Hussain Adil. And we are okay. Yes, please. Okay, thank you very much. What I'll do, I'll keep looking, and hopefully we'll have some more information. Thank you. Yeah, please keep an eye on Hidayat television screen, because the moment we get any information, we'll place that in a ticker, and hopefully they all will be okay, because if we see that most of the time they go early in the morning, very early, just after the Fajr prayers, they go very, very early in the morning to perform this part of Hajj. So, and this what happened is just an hour back. So, hopefully we can pray that till we don't get any information, everything will be fine. Thank you for the information what you got, and hopefully we'll have some more. Thank you very much for that. Thank you. जी बिल्कुल, जाहिर है जिनकी families हज अदा करने गई हुई हैं, वो उनका फ़िक्रमंद होना जो है वो एक बहुत फितरी सी बात है। अल्लाह ताला जो सब आज़मीन हज हैं जो वहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको खैर वाफियत से वापस लाए, और जो ज़ख्मी हैं उनको सेहत और शिफा अता फरमाए। इसके साथ साथ जो यमन के दारुल हुकूमत में होने वाले एक मस्जिद में जो 25 अफराद शहीद हुए हैं एक खुदकुश बम धमाके में, उनके लिए भी हमारे दिल से ताज़ियत निकलती है। दिल से हम उनकी फैमिलीज को पुरसा पेश करते हैं कि ये हादसा नहीं होना चाहिए था, किसी भी दिन नहीं होना चाहिए था। और ईद के दिन जबकि हर इंसान के दिल में पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, उस दिन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। यकीनन शैतान ये जो शैतानी कुव्वतें हैं ये ऐसे ही दिनों को ढूंढती हैं, ऐसे ही मौक़ों को ढूंढते हैं, और ये इनकी कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। जी काजिम भाई, कोई नई अपडेट इस सिलसिले में, या अभी तक वही? अभी लास्ट जो अपडेट हमारे पास आई है वो तादाद जो है वो 310 ही बताई जा रही है। ये 19 मिनट पहले की अपडेट्स हैं, जिसमें तादाद 320 के करीब ही बताई जा रही है। 400 से ज़ायद ज़ख्मी अफराद हैं, और माज़ चाहता हूँ 310, ये 22 मिनट पहले की अपडेट है हमारे पास। 400 के करीब जो हैं हाजी ज़ख्मी है, तिब्बी अमदाद का जो अमला काम कर रहा है उसकी तादाद 4000 से ज़ायद है, और हमारी कोशिश है कि हम किसी तरीके से राबता कर सकें हमारे जो अहदार टेलीविज़न के चेयरमैन डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील से, ताकि हम मज़ीद अपडेट ले सकें। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बहन कहाँ से बात कर रही हूँ? मैं समर बात कर रही हूँ, मैनचेस्टर से। जी समर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी गुजर रही है आपकी ईद? ईद तो जाहिर है अफसोसनाक वाक़े के बाद मध्यम पड़ गई है, लेकिन आप बताइए कैसी हैं आप? जी बस मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन जब हमने टीवी ट्यून करा तो बहुत अफसोस हुआ हमें न्यूज़ देखकर हज के हवाले से, कि हज के ऊपर जो ये इतना ज़्यादा एक अलमनाक वाक़ा हुआ है, और काफ़ी अपसेट भी हैं हम इस हवाले से कि माशाल्लाह से जो कारवान हिदायत का गया हुआ है यहाँ से, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उन सबको वहाँ पे सही और सलामत रखे, और जल्द अज जल्द हमें जो है वो उनकी खैर वाफियत की इतला मिले। बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जी जी, और सेकेंड जो यमन की जो शिया की जो मस्जिद है उसके अंदर जो ब्लास्ट हुआ है, वाकई वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सिचुएशन है। दिन तो ईद का है, लेकिन इतनी अलमनाक और दर्दनाक न्यूज़ सुनने के बाद जो है वो बस कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस किया जाए, लेकिन मुसलसल दुआ गो हैं कि जल्द अज जल्द हमारे जो हिदायत का कारवान यहाँ से गया हुआ है उनकी हमें जल्द अज जल्द कोई खबर पता चले उनकी खैर वाफियत के हवाले से।
जी नाजरा, आपको बताते चलें कि समर हमारे हिदायत टीवी के मेंबर हैं, हमारे साथ काम करती हैं और बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है हिदायत टीवी के सारे एडमिन सिस्टम को चलाने के लिए। समर, आपका डॉक्टर अदील से रابطہ रहता था इस मामले में, आपने काफ़ी उनकी हेल्प भी की हज के दौरान जो तमाम चीज़ें थी, आपका क्या कॉन्टैक्ट हो पाया कोई उनसे? हाँ जी, मैं वही, मैंने मौलाना अदील को अभी मैसेज करा है लेकिन मेरी अभी उनसे कोई कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, और जैसे ही इंशाल्लाह अगर कोई मेरा उनसे कांटेक्ट होता है तो मैं आप लोग को अपडेट करती हूँ। जी प्लीज़ समर, क्योंकि आपको मालूम है कि तमाम जो फैमिली मेंबर्स हैं जो कारवां के साथ लोग गए हैं उनके, वो बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि खैरियत की जो खबर है इंशाल्लाह जल्द आए। तो आपका चूँकि रابطہ रहता है मौलाना डॉक्टर अदील साहब से, तो आप प्लीज़ जो ही आपको कोई खबर हो तो आप ज़रूर हमें कॉल करके बताइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जैसे ही कोई अपडेट मिलती है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है वो बताती हूँ। और बस चलें, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और आपको कॉल करने के लिए। आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सात पाकिस्तानी जो है काजिम भाई बताया जा रहे हैं कि इसमें फिलहाल जो एक खबर जिनकी शनाख्त हुई है, जिनके सात पाकिस्तानी भी उन शहदा में शामिल हैं जिनकी अभी मिना की में भगदड़ के दौरान जो हाजी शहीद हुए हैं उनमें सात पाकिस्तानी भी शामिल हैं। ज़ाहिर अफसोस जो है वो दिल को बढ़ता जा रहा है, दिल में जो गम की जो लहर है वो भी बढ़ती जा रही है। और क्या कह सकते हैं कि बाकी जो ज़ख्मी लोग हैं, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत अता फरमाए, वो सेहत याब होकर अपने घरों को लौटें। और जिनके हाजी जो हैं वो शहीद हो गए यहाँ पर मक्का मुकरमा में, अल्लाह ताला उन फैमिलीज़ को सब्र अता फरमाए और उन हाजियों के दर्जात अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बुलंद फरमाए। बिल्कुल, क्योंकि यही कोशिश होती है कि जो जब हम हज पे जाते हैं तो एक दिल से हमारे फरीज़ा हज जो है ये वो फरीज़ा है जो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो इस हद तक जाए। और लगन बहुत वलवले और बहुत तैयारी के बाद लोग जो है जाते हैं और बहुत उनकी, जैसे हर मुसलमान के दिल में मेरा ख्याल है जो ही एक बच्चा बलूगत की उम्र को पहुंचता है उसके दिल में खुद ब खुद अल्लाह ताला जो है वो हज की मोहब्बत डालता है और एक आरजू होती है हर इंसान की, हर मुसलमान के दिल में कि वो हज की सआदत जो है वो हासिल कर सके। और शायद इसीलिए जाते वक्त जो है आपने देखा होगा एक ट्रेडिशन है कि हाजी जो हैं हज पर जाने से पहले अपनी तमाम जो रिश्तेदार हैं, लोयाल हैं, दोस्त अहबाब हैं उनसे मुलाकात करके जाते हैं और उनसे अपने जो जिनके साथ अगर ज्यादतियाँ उन्होंने की हैं तो तमाम की माफ़ी मांग कर जाते हैं। तो ये भी शायद अल्लाह ताला का एक निज़ाम होता है कि वो वहाँ से इतने बड़े मजमे में शामिल होने जा रहे होते हैं तो कोई हादसा भी रोनमा हो सकता है और उनके कि हो सकता है अल्लाह ताला उनको अपना मुस्तकिल मेहमान बना लेता है इस तरह, इस वजह से जो है। और हर साल ही कोई ना कोई छोटा बड़ा हादसा जो है वो रोनमा हो जाता है और इस दफ़ा तो दो हादसे रोनमा हुए, इसलिए दिल जो है वो पिछले सालों से ज़्यादा गमगीन है। एक और कॉल को हम शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, कौन बात कर रही हैं? अली सर। सॉरी, दोबारा बताइएगा अपना नाम बेटा। अली सर। अली सर, जनाब अली सर। जी अली सर, हाउ आर यू? ऑल राइट। सो व्हाट, यू वेंट फॉर नमाज? आई एम ओके। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से? ईद मुबारक एंड व्हाट्स योर मैसेज? आई वांट टू से ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच सर, ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू, ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको जो है बहुत सारी सेहत, तरक्की और दीन मोहम्मदी पर चलने की तौफीक अता फरमाए बेटा। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और आप आज अच्छी सी ईद मनाइएगा, ठीक है? ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। बहुत ही प्यारे से बच्चे हमारे साथ शरीक हुए और सब जो हैं बच्चे अपने वालिद के साथ जो हैं वो नमाज़ पढ़ने गए होंगे और ये उनके अंदर एक नई बात सीखते हैं वो अपने पेरेंट्स से कि ईद की नमाज में कितना किस अंदाज से तैयार होकर जाते हैं सब और जोश व वलवला होता है बड़ा और बहुत बच्चे बहुत शौकीन हो जाते हैं फिर कि ईद की नमाज़ के लिए ज़रूर जाना है। और कुछ बच्चे अगर ना जाएं तो फिर वो नाराज़ भी होते हैं कि हमें आपने उठाया क्यों नहीं या लेकर क्यों नहीं गए। और जिन बच्चों को स्कूल जाना पड़ा होगा ज़ाहिर है वो भी उदास होंगे कि हम ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं जा सके, लेकिन क्या किया जाए, चूँकि हम एक मुसलमान मुल्क में नहीं हैं इसलिए हम जिस मुल्क में रहते हैं हमें उनके रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है, ये भी हमारे दिन
دین کا ایک حصہ ہے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لندن سے رضا سید بات کر رہا ہوں سسٹر. اور میں قاسم رضا صاحب کو اور آپ کو عید مبارک کہتا ہوں سب سے پہلے. بہت شکریہ. تمام دیکھنے والے جو ہیں آپ کے ناظرین ان کو بھی. جی آپ کو رضا سید صاحب ہمارے ساتھ ہیں لندن سے. انٹرنیشنل پاکستانی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے جو ہے وہ جنرل سیکرٹری ہیں اور لندن میں ان کی تنظیم جو ہے وہ پوری صورتحال دیکھ رہی ہے. خاص طور پہ جو ہماری کمیونٹی ہے ایشین کمیونٹی اس کو یہ جو ہے مکمل طور پہ ان کی جو ایسوسی ایشن ہے آرگنائزیشن ہے یہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. خوش آمدید کہوں گا رضا سید صاحب آپ کو. اس وقت شو تو عید کا ہے لیکن ماحول جو ہے وہ سوگ کا تقریباً بن چکا ہے. جی بہت شکریہ جی. بالکل آپ نے بجا کہا اور میں بھی یہی کہنے جا رہا تھا کہ اگر یہ خوشی کا موقع تھا لیکن آج صبح ہی جو یہ حادثہ ہوا ہے سعودی عربیہ میں یہ کافی دکھ بھرا ہے اور اس پہ ہم مسلمان جتنا بھی افسوس کریں وہ کم ہیں. اگر کیونکہ کئی جگہ جہاں پہ 19 یا 20 یا 25 لاکھ لوگ جمع ہوں گے کوئی نہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جس کو فوری طور پہ ظاہری بات ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا جتنے مرضی انتظامات کریں. لیکن پھر بھی اگر جیسا کہ یہ ہر سال آلموسٹ ہوتا ہے یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے اور ہر سال بہت سے مسلمان اسی موقع پہ جب شیطان کو ہم پتھر مار رہے ہوتے ہیں کنکریاں مارتے ہیں تو اسی جگہ پہ حادثے ہمیشہ ہر سال ہوتے ہیں. تو اس کے لیے سعودی گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ایک پلان کرے کہ لوگوں کو اگر جیسا کہ میڈیا کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف سے لوگ آ رہے تھے دوسری طرف سے جا رہے تھے اور اس دوران تصادم ہو گیا اور بھگدڑ مچ گئی تو کیا اس سے بچاؤ کا یقینی کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو ہوگا کہ جس کے ذریعے آئندہ ایسے ہونے والے حادثات ہو سکتے ہیں اور ان ماحول سے بچایا جا سکے. میری یہی گزارش ہے کہ اگر سعودی گورنمنٹ ان چیزوں پر غور کرے تو شاید فیوچر کے لیے ہم ایسے حادثات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور یہ میں یہ کہوں گا کہ قابل افسوس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری بد نظمی کا طریقہ کار ہے. ایون وہ لوگ جو وہاں پہ حج کے دوران وہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں کہ اگر ہم نے کوئی مذہبی فریضہ سر انجام دینا ہے تو اس کو اس شدت پہ نہ لے جایا جائے جہاں پہ یعنی کہ اگر اس کو کنکریاں مارنے کا کہا جائے تو ٹھیک ہے دو چار کنکریاں ماریں اور ایک منظم طریقے سے آگے پیچھے سے ہو کے نکلتے چلیں. لیکن یہ لوگ وہاں پہ اتنی شدت سے ہر کام میں شدت پسند ہو جاتے ہیں اور دوسرے سے بھی مارنے شروع کر دیتے ہیں گالیاں دینا بھی شروع ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہاں رکنے کے بس چلتے چلتے ایک ایک دو دو مارتے چلتے تو شاید اس طریقے سے بھی ایسے حادثات سے بچا جا سکتا ہے. اچھا مجھے رضا بھائی آپ نے فرمایا کہ تصادم کوئی تفصیلات اس کی ہے کہ یہ اسٹیمپیڈ تصادم سے مراد تو یہی ہوتی ہے کہ آپس میں کوئی جھگڑا ہو جانا. جی مطلب میں نے جو یہ چیز سنی ہے نا کہ آپس میں تصادم یعنی کہ ایک طرف سے حاجی آ رہے تھے ایک طرف سے حاجی جا رہے تھے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ حاجی آ کدھر سے رہے تھے اور جا کدھر سے. ظاہر بات ہے میں اس موقع پہ موجود نہیں ہوں نہ ہی میں نے یہ چیز ساری اپنے آنکھوں سے. لیکن یہ تصادم کا جو لفظ میڈیا کے اندر استعمال کیا گیا میں خود اس کو جیسا کہ آپ نے فوراً یہ پوائنٹ آؤٹ یہ چیز کی ہے تصادم لفظ کو میں بھی اسی چیز پہ غور ابھی تک کر رہا ہوں کہ یہ لفظ کیا مناسب تھا جو کہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ میڈیا کی رپورٹ ہے. میں وہاں پہ موجود تھے میں بھی وہاں پہ کوشش کر رہا ہوں فون کر کے یہ سارے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیکن میرا رابطہ نہیں ہو رہا. شاید سعودی گورنمنٹ نے مزید انفارمیشن باہر جانے سے روکنے کے لیے کچھ ایسے انتظامات کیے ہوں کہ اصل حالات ہمارے سامنے نہ آ سکیں تو اس کی وجہ سے بھی شاید ہمارے وہاں پہ رابطے نہیں ہو پا رہے. کچھ ایسی بالکل کچھ ایسی صورتحال ہے کیونکہ میں بھی یہاں سے کافی جب سے شو شروع ہوا ہے اور اس بات کو ایک گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے کہ مسلسل ہدایت ٹیلی ویژن کی طرف سے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے. جو ہمارے پاس تقریباً 7 کنیکشنز ہیں وہاں سعودی عرب میں جو موجود ہیں اس وقت لیکن ٹیلی فون تھرو نہیں ہو رہا اور آپ بھی یہی صورتحال بتا رہے ہیں کہ ٹیلی فون تھرو نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں اب ہم دعا کر سکتے ہیں کہ رب العالمین جو ہے وہ
साथ खैरियत के ही सबको रखें और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके दर्जात बुलंद करें। रजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शरीक होने का और हिदायत टीवी पे कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। जी अभी ये भी इतला मिली है कि गर्मी भी बहुत है वहाँ पर, कम से कम 43-44 टेम्परेचर जो है इस वक्त मक्का का है, और आप सोचिए कि 30 लाख आज़मीने हज हैं वहाँ पर, और इस तरह के जो वाक़या होना ज़ाहिर अंदाज़ा तो होता है कि इस तरह का वाक़या हो सकता है वहाँ पर, लेकिन फिर भी मज़ीद ज़ाहिर है अगर ये वाक़या हर दफ़ा रूनुमा होने के खदशात होते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए, सऊदी गवर्नमेंट को, कि वो इस पर कोई हिकमत अमली तैयार करें, कोई तमाम जो उनके इंजीनियर्स होंगे या जो उनके सेटअप करते होंगे इसको, जो भी पीछे इंतज़ामिया होगी, उनको एक जो है फ़ौरन मीटिंग बुलानी चाहिए और अपनी जो नए स्ट्रैटेजी है इसमें ये किस तरह से ये शैतान को कंकरियां मारते वक्त इस हादसे से किस तरह बचा जा सकता है। ज़ाहिर है हमें तो हमारी समझ बूझ इतनी नहीं है ना, हमें अंदाज़ा है कि क्या वहाँ पर सिस्टम हो सकता है, लेकिन ये कितना बड़ा मुकाम है, इतनी बड़ी जगह है और इतने लोग हर साल आते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सऊदी हुकूमत जो है वो इस दफ़ा इस पर ज़रूर गौर व खौज करेगी और मज़ीद बेहतरीन तब्दीलियाँ लेकर आएगी ताकि इस तरह के हादसा से आइंदा बचा जा सके। नाज़रीन चाहेंगे हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएँगे तो आपकी खिदमत में आपकी फ़ोन कॉल्स भी मज़ीद लेंगे और आपसे मज़ीद बातचीत करेंगे और आपको जहां तक हो सका मजीद अपडेट्स भी देंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।